everyone. I am Jitendra Singh. I welcome you to Read My Story, where I interview authors, speakers, coaches, celebrities, entrepreneurs, and more. Today, I have with me Ms. Kamini Shukla. She has been born and brought up in Delhi and has done her BA honors from Delhi University and have more than 10 years of experience as an accountant. She started her startup journey in 2021 with the name Delhi Mushroom Hub, wherein she is growing mushroom in an organic way and then making products from these organic mushrooms, which we hardly heard of. And these products are such as cookies, namkeen, chocolate, nuggets, pickle, and more. These products are healthy and healthy to use, and you can use them and you can have them anywhere and anytime. So today she will be discussing with us about her life journey. So let us hear from her. Welcome, Kamini ji. The platform is open, and now over to you. तो शुरू करते हैं फिर. पहला क्वेश्चन जो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपकी जो लाइफ है, जैसे बचपन में हमारे हमेशा थॉट्स रहते हैं कि हमें बड़े होके ये बनना है या लाइफ में ये करना है, तो आपके क्या थॉट्स थे, आप क्या बनना चाहती थी हमेशा से, और आप आज की डेट में जो चीज कर रही हो उसमें और जो आपके थॉट्स थे उसमें क्या डिफरेंस है? लाइफ में तो वैसा कुछ था नहीं. जब हम स्कूल में थे तो यही था कि लाइफ में सक्सेसफुल होना है, लाइफ में कामयाब होना है, बस यही था. बट ये नहीं पता था कि कैसे सक्सेसफुल होना है, कैसे कामयाब होना है, क्योंकि जब हम स्कूल में होते हैं तो बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, आप बहुत सारे लोगों के बीच में होते हैं, तो आपके माइंड में बहुत सारी चीज़ें आती हैं कि मैं बड़े होकर ये करूँगा या ये करूँगा या ये करूँगा, बट आप डिफाइन नहीं कर पाते. तो ऐसा कुछ नहीं था कि कुछ अलग ही करना है या कुछ सेटअप ही करना है. बट आफ्टर 11th और 12th तो ऐसा लगा कि शायद कंप्यूटर का इतना क्रेज था किसी जगह ना, कि अगर आपको कंप्यूटर आता है तो आप कहीं पे भी सेट हो सकते हैं, मतलब एक जॉब आपको 25-30 मिल जाएगी. तो उस टाइम पे यही था कि कंप्यूटर का कोर्स आप कर लो, उसमें बहुत सारे होते थे, तो आपको जॉब मिल जाएगी, देन आप सक्सेसफुल हो जाओगे. बचपन में आपका जो विचार था ये था कि कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ करना है. ग्रेट. तो अगर हम बात करें कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में आप मतलब बहुत ज्यादा पैशनेट हो, जो आप लाइफ में हमेशा करना चाहते थे, कोई ऐसी चीज होगी जो आप जिसके लिए बहुत ज्यादा पैशनेट हो? बहुत ज्यादा पैशनेट ये था कि मुझे ऐसा कुछ करना है जो सबके लिए इक्वल हो. क्या है मतलब आजकल का जो टाइम है, बहुत ज्यादा रिच जो लोग हैं वो तो ठीक है, उनके लिए अच्छी लाइफ का मतलब क्या है, हेल्दी खाना और एक्सरसाइज और सब. बट जो गरीब लोग हैं उनके लिए मतलब दो वक्त का खाना भी अच्छे से नहीं मिल पाता, तो उनको जो न्यूट्रिशन वैल्यू है, जैसे हमें लाइफ में जीने के लिए प्रोटीन चाहिए, विटामिन चाहिए, मतलब ये सोच लीजिए जो शरीर को काम करने के लिए चाहिए, तो वो सब नहीं मिल पाता. तो मेरे पास कुछ ऐसा हो, मैं ऐसा कुछ कर सकूं जो मतलब एक प्रोडक्ट हो और घर में सबके लिए फायदेमंद हो, जिससे बड़े भी ले सकें, बच्चे भी ले सकें, वुमेंस भी ले सकें, तो सबके लिए फायदेमंद हो. तो मतलब कुछ ऐसा था, ऐसा देना चाहती थी कि मतलब लोग कम पैसों में भी ले सकते. राइट. तो आप कुछ ऐसा करना चाहते हो कोई ऐसा प्रोडक्ट में या किसी भी चीज में, ताकि आप लोगों की हेल्प कर पाओ? क्योंकि सबसे पहले आपको हेल्प का यही है कि आप लाइफ को कितनी अच्छी तरीके से जी सकते हो. करेक्ट करेक्ट. तो उसके लिए अच्छी सेहत होना सबसे ज्यादा जरूरी है. राइट. तो अगर हम बात करें आपके काम के बारे में, तो आपकी जो जर्नी है कैसे शुरू हुई, कैसे आपने काम करना शुरू किया, पहली जॉब क्या थी, फिर ये बिजनेस के बारे में कैसे थॉट्स आए, कहाँ से शुरुआत हुई? जैसे मैं पहले एज एन अकाउंटेंट जॉब करती थी, MNC फर्म थी, तो वहाँ पे मेरी जॉब बहुत अच्छी चल रही थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कुछ भी नहीं था. बट जब से कोरोना आया तो फिर सबकी जॉब छूट गई थी, तो फिर मेरी भी छूट गई. मतलब छूटे क्या, मैंने खुद ही क्विट कर दिया था, क्योंकि मेरी बेटी है 8 साल की. तो वो जब से बाय बर्थ इतना ज्यादा बीमार रहती थी वो, उसकी मतलब थोड़ा सा मौसम चेंज बीमार. तो उसको देख के मुझे लगता था कि अब मैं अगर इतना ज्यादा कोरोना का है, अगर मैं ऑफिस जाऊंगी तो भगवान ना करे किसी से कुछ हो जाए या कुछ भी, तो मैं बेटी को छोड़ना नहीं था. तो इस वजह से मैंने जॉब क्यों की. और फिर
मेरे को लगा कि ऐसा कुछ होना चाहिए, मतलब जैसे मैं तो अपनी बच्चे को बचा ही लूंगी और मैंने जॉब भी कुछ की थी, लेकिन ऐसा कुछ होना चाहिए जो सब लोग यूज कर सकें, बड़े भी बूढ़े भी बच्चे भी, और सबके लिए फायदेमंद हो हर चीज के लिए। तो फिर मैं ऐसा पढ़ाई कर रही थी, सर्च ही कर रही थी बुक्स में, यूट्यूब पे हर जगह, तो वहीं पे मुझे मशरूम का जिक्र मिला। मशरूम को हम बोल सकते हैं कि ऐसा प्रोडक्ट है जो मतलब हर चीज से फायदेमंद है, बड़ों के लिए बूढ़ों के लिए सबके लिए फायदेमंद है। तो बट इसका पता कैसे चले कि अंदर क्या क्या है? अब पढ़ने से तो हमें सब कुछ नहीं पता चलता ना, अब हम किस चीज को पढ़ लेंगे, कितना पढ़ लेंगे, और पढ़ भी लिया जब तक हम उस चीज से यूज नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा क्या रिजल्ट है। तो फिर मैंने फार्मिंग मतलब मशरूम के बारे में पढ़ा, सीखा, ऑनलाइन ही सीखा, यूट्यूब से ही, मैंने कहीं कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं ली कुछ भी, तो मैं यूट्यूब से ही देख के सीखा। और मैंने 15 बैग्स लगाया शुरू में, स्टार्ट में हमारा घर था, घर पे छोटी सी जगह थी, तो वहाँ पे मैंने 15 बैग्स लगाए, ठीक है। तो 15 बैग्स हाँ लगा के, तो पहले मैंने सोचा कि मैं अपने घर पे क्यों ना ट्राई करूँ, क्योंकि जो मेरी बेटी है उसकी हालत ऐसी है कि आजकल हर बच्चे को प्रॉब्लम रहती है, आजकल इम्यूनिटी की वजह से ही कोरोना इतना ज्यादा बढ़ा, अगर लोगों के अंदर इम्यूनिटी पावर अच्छी होती तो कोरोना इतना फैलता ही नहीं। तो मेन प्रॉब्लम यही थी जिसकी वजह से मुझे जॉब तक छोड़नी पड़ी, और फिर मैंने घर में ग्रो करके सबसे पहले मैंने घर में यूज करा, एक महीने तक करा, 1.5 महीना, 2 महीने हो गए, 3 महीने। तो 3 महीने के बाद ऐसा दिखा कि हाँ कुछ तो है अच्छा, कि मतलब पढ़ा तो है हमने बट यूज करने में भी अच्छा है। तो फिर मैंने थोड़ा थोड़ा अपने नेबर्स को बताया, उनको यूज कराया, उनको ट्राई कराया, मैंने फ्री में भी दिए उनको, जैसे फ्रेश मशरूम बनाने के लिए भी दिया, ड्राई करके भी उनको बनाने के लिए दिया, पाउडर भी बना के, मतलब जैसे क्या होता है फ्रेश तो आप लोग खा सकते हैं मतलब हाँ, बट अब जब तक रोज थोड़ा थोड़ा खाने के लिए मैंने उनको पाउडर फॉर्म में दिया, आप इसको खाओ एज अ मेडिसिन यूज करो, आप मतलब हाफ स्पून आप सब्जी में डालो तो, या मतलब कैसे भी, तो उन्होंने खाया। और विद इन मतलब कई लोगों ने तो मुझे 10 दिन के अंदर बताया कि मैम हमने एक चम्मच लिया और हमारी वाली प्रॉब्लम ठीक हो गई। फिर ऐसा भी हुआ कि लोग 1 महीने में लिया, उन्होंने मैम हमारी वाली प्रॉब्लम ठीक है या कुछ भी, तो मुझे लगा हाँ चीज अच्छी है और हम कुछ कर सकते हैं। और जो मैं करना चाहती थी समाज के लिए या लोगों के लिए, उसका मुझे एक रास्ता मिल चुका है। अगर मैं इसको करूंगी तो हो सकता है, मैं ये नहीं कहती कि मैं कर दूंगी, बट मैं कोशिश पूरी कर रही हूँ और आगे भी पूरी लाइफ करूंगी कि सब लोगों तक पहुंचे। और जब कुछ अच्छा करने की कोशिश करोगे और एफर्ट सही डायरेक्शन में रहेंगे तो डेफिनेटली रिजल्ट अच्छे ही आएंगे। तो अगर हम बात करें कि आज से अगले 5 से 10 साल में आपका विजन, मिशन या गोल अब क्या रहने वाला है, आप अपने बिजनेस को किस तरह से ग्रो करना चाहते हो, किस लेवल तक लेके जाना चाहते हो? सर विजन और मिशन तो यही है कि अभी जैसे हमारा प्रोडक्ट है कुछ थोड़े से हैं, बट मैं यही चाहती हूँ कि आने वाले 5 से 10 सालों में हमारे प्रोडक्ट कम से कम 50 से 100 हो, ताकि लोग कुछ ना भी यूज करने के कुछ तो यूज करें। क्योंकि अब जब आपके पास प्रोडक्ट ज्यादा होते हैं तो आपको यूज करना बड़ा आसान होता है, आपने ये ले लिया, ये ले लिया, ये ले लिया, कुछ भी आप यूज कर सकते हैं। तो उस केस में ना अगर कुछ ना करके कुछ भी आपके अंदर जाएगा तो एटलीस्ट कुछ तो जाएगा, 1% तो मैं सक्सेसफुल हो ही गई था। तो यही है आगे आने वाले सालों में हम यही चाहेंगे कि हम जितने से जितने लोगों को अवेयर कर सकते हैं या लोगों को तक पहुंच सकते हैं या अपने प्रोडक्ट के बारे में बता सकते हैं या मशरूम के बारे में बता सकते हैं तो उनको बताएं। और अगर इस प्रोडक्ट के बारे में बात करें तो इसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और ऑपरेशन ज्यादा मुश्किल लगा आपको या मतलब इजी लगा कि ये चीजें हम मैनेज कर सकते हैं? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो सर देखिए कॉस्ट क्या है, मशरूम एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको ग्रो करना बहुत इजी है, जिसको नॉलेज है, बट जिसको नॉलेज नहीं है, जैसे मेरा जो बैकग्राउंड है वो फार्मर से नहीं, मेरी जगह पर कोई फार्मर होता तो उसके लिए बहुत इजी होता ग्रो करना और सेल करना और, बट जो हमारा बैकग्राउंड है बिल्कुल भी फार्मर नहीं है, तो उनको प्रॉब्लम आई, कॉस्टिंग भी हमें ज्यादा पड़ी इनिशियल इनिशियल में, बट ओवरऑल अब ठीक है, इतनी कोई प्रॉब्लम है नहीं, चल रहा है सब अच्छे से, मैनेज हो रहा है। राइट, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइफ लेसन्स हैं आपकी लाइफ में, क्या क्या चीजें हैं जो आपने सीखी हैं और जो आप मानती हैं कि वो आपकी लाइफ में गेम चेंजर हैं या बहुत हेल्पफुल हैं? देखिए लाइफ में तो बहुत कुछ सीखने को मिला है, बट जो सबसे बड़ी बात ये है कि अगर हम जो भी काम कर रहे हैं चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, सबसे पहली बात तो कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, उसके पीछे आपके इमोशंस, पैशन पूरे लगे होते हैं, इसलिए हर काम आप जो भी करो पूरी ईमानदारी, पूरी मेहनत और
पूरी लगन के साथ और भगवान पे विश्वास रखो कि वो काम आपका होगा ही होगा। अगर आप इस सोच के साथ काम करेंगे तो आप डेफिनेटली सक्सेसफुल होंगे ही। करेक्ट, मैं भी इस चीज से एग्री करता हूँ। फिर ये है, जिस काम को आप कर रहे हैं, आप उस काम को करने के लिए अपना पूरा ध्यान, अपना पूरा टाइम, आप ये सोच के करो कि वो ही आपके लिए आपकी लाइफ में सब कुछ, उसके अलावा आपका कुछ भी नहीं है। मतलब जब भी आप कहीं पे भी पढ़ो, कहीं पे भी बोलो या कहीं पे भी सुनो, तो आपके जो आप काम कर रहे हो आपके आसपास वो ही होना चाहिए। मतलब आप उस चीज को ऐसा कर दो कि वो ही वो दिखाई दे आपको चारों तरफ। मतलब आप पूरा डेडिकेशन के साथ में वो काम करो। गुड। तो अगर हम बात करें, ये दोनों चीजें बहुत इम्पोर्टेंट है और इन दोनों चीजों के बिना आप कभी भी लाइफ में आगे बढ़ नहीं सकते या सक्सेसफुल हो नहीं सकते। और तीसरी चीज जो मुझे अच्छी लगी, आपने जो बताई, आपने अभी मतलब थोड़ी देर पहले ही कहा था कि आपने यूट्यूब से सीखा ये सारी चीजें, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आप कोई भी काम करना चाहो, अगर आपको नहीं आता, आपको एक्सपीरियंस नहीं भी है, तो वो आप सीख सकते हो। दैट इज रियली इम्पोर्टेंट। तो अगर मैं बात करूं जो आपका बिजनेस है, तो आपको ये बिजनेस का आइडिया कहाँ से आया, सबसे पहली चीज तो ये मैं जानना चाहता हूँ आपसे। और आपने ये सारे जो प्रोडक्ट्स बनाए हैं, ये सब प्रोडक्ट्स कैसे आपने सोचा कि मुझे कुकीज भी बनाना है, नमकीन भी बनाना है, और क्या क्या प्रोडक्ट हैं ऐसे जो आपने बना लिए और जो आप वर्कआउट कर रहे हो? देखिए, आइडिया तो सबसे पहले जब मैं स्कूल में जाती थी, मैं छोटी थी, तो मुझे लगता था कि ऐसा कुछ होना चाहिए जो सबके लिए हो, क्योंकि हम लोग सब ना तो रोज फ्रूट खा सकते, ना ही सारी दालें खा सकते हैं, ना ही ड्राई फ्रूट। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि हम सारी चीजें एक साथ खा ले, बट ऐसा अगर हमारे पास कुछ है कि अगर जिसका थोड़ी सी क्वांटिटी में खा ले, और इन जो बेनिफिट्स हमें दालों से, फ्रूट से, वेजिटेबल्स से या ड्राई फ्रूट से मिल सकते हैं, उसी से मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा सबके लिए। तो मैं ऐसा सोच ही रही थी फिर, मतलब बट ऐसा मुझे कुछ मिल नहीं रहा था। मतलब जॉब टाइम में भी पढ़ना कि कुछ ऐसा हो, कुछ मिले, बस कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। क्योंकि जब आप कहीं पे अटैच होते हैं ना, तो अपने सपनों को बहुत कम टाइम दे पाते हैं। राइट। क्योंकि जब मैं जॉब में थी तो, बट एकदम से फिर मेरी बेटी, मैं शादी हो गई, शादी के बाद फिर बच्चे, तो मेरी बेटी की जो हालत थी, मतलब बहुत ज्यादा बीमार रहती थी, मौसम चेंज बीमार। मतलब फिर मैं खुद एक लेडी हूँ, तो मतलब अपने लिए तो मैं खुद कुछ कर ही नहीं पाती थी। मतलब बच्चों के लिए करना सब कुछ मेरा क्या, हर लेडी का ही सपना होता है। हस्बैंड के लिए कर देंगी, बच्चों के लिए कर देंगी, कोई घर में गेस्ट आया है, बट अपने लिए आप पूरे दिन में क्या करते, कुछ नहीं कर सकते। तो फिर जब मुझे ज्यादा हुआ कि कोरोना में मतलब इतना सब कुछ हो गया, लोगों के पास पैसे भी नहीं है इतने कि लोग, वाकई में कोरोना से इतनी हालत खराब हो गई थी, लोगों के पास खाने तक के पैसे नहीं थे, तो मतलब ऐसे कैसे हेल्दी चीजें लें, क्या करें, समझ में नहीं आ रहा था। और जबकि मतलब मेरी खुद ऐसा हो गया था कि जॉब से भी मैंने क्विट कर दिया था, बेटी बीमार रहती थी, इस डर से मैं जॉब पे ही नहीं गई कहीं कुछ हो ना जाए, तो ऐसा कुछ हो कि क्या है कुछ मैंने ढूंढना। फिर मैंने और ज्यादा टाइम लगाया और अच्छे से सर्च करना शुरू करा, तो मुझे मशरूम के बारे में थोड़ा सा पता चला, थोड़ा सा पढ़ा तो अच्छा लगा, फिर इंटरेस्ट और बढ़ता गया, फिर और ज्यादा पढ़ना शुरू करा, फिर वीडियोस देखी, यूट्यूब पे देखा, फिर मतलब समझ में आया हाँ कुछ हो सकता है। बट अब हम देखी हुई चीज पे कब तक विश्वास करेंगे, कोई नहीं करता जब तक आप उसको खुद अपनी आंखों से उसको काम करता हुआ ना देखें, और उसका मतलब यूज करके हमें रिजल्ट मिल भी रहे हैं या नहीं। तो फिर मैंने यही सोचा कि मैं ट्राई करती हूँ, अगर रिजल्ट अच्छा आया तो मेरे जिसके बारे में सोच रही हूँ वो मुझे मिल जाएगा, नहीं आया तो फिर दोबारा ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे, सर्च करेंगे। ये था बस। तो अभी कौन, मैंने अभी कौन कौन से प्रोडक्ट्स में आपको, जो प्रोडक्ट्स आप बना रहे हो, थोड़ा उसके बारे में भी बताओ। देखिए, हमारे जो मशरूम के प्रोडक्ट है वो सबको, जैसे बड़ों के लिए, जैसे मैंने बताया जो वर्किंग लेडीज होती है वो अपने लिए कुछ नहीं कर पाती, तो उस केस में अब मान लीजिए वर्किंग है वो खुद ही कुछ नहीं कर पा रही है तो कैसे करेगी अपने लिए, तो उस केस में क्या है, हमारा मशरूम का पाउडर है, ठीक है, उस पाउडर को क्या है, अगर आप सब्जी में डालते हो एज अ स्पाइस की तरह यूज करते हो, 1 स्पून और 2 स्पून, सब खाएंगे, सबके साथ वो लेडी भी खाएगी जो कि वर्किंग है, जिसको अपने लिए टाइम नहीं है, उस 1 स्पून से उसको वो सब कुछ प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स जो मिलने चाहिए पूरे दिन के लिए, वो उसे भी मिलेंगे और उसके साथ उसके पूरे घर वालों को भी मिलेंगे। ठीक है, ये तो हाँ, ये तो हो गया बड़ों के लिए, बड़े खा लेंगे, पाउडर खा लेंगे, और बड़े कई बार ऐसा होता है कि सब्जी में नहीं खा पा रहे हैं तो राइट पाउडर ही ले लिए। ठीक है, ये तो हुआ हमारा एक प्रोडक्ट मशरूम का पाउडर। इसके बाद मशरूम की कुकीज हैं, चॉकलेट्स हैं मशरूम की, नगेट्स हैं और नमकीने हैं, तो सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं, मान लीजिए जैसे बच्चे
हैं, बच्चे जो है चॉकलेट बहुत खुश होके खाते हैं मशरूम की, लेकिन पेरेंट्स नहीं दिलाते क्योंकि उन्हें लगता है कि चॉकलेट है बच्चों को नुकसान करेगी। बट अगर कुछ उसमें हेल्दी डाल दो तो पेरेंट्स भी खुश कि हमने हेल्दी खिलाया और बच्चे भी खुश कि हमने चॉकलेट खाया। और बिस्किट नमकीन ये है कि ऐसी चीजें हैं जो नॉर्मली घरों में यूज होती ही हैं। मुझे नहीं लगता कोई भी ऐसा घर है जहाँ पे बिस्किट और नमकीन खाए नहीं जाते, तो ये बहुत कॉमन है और हर कोई इनकी तरफ अट्रैक्ट होगा। अट्रैक्ट होने की वजह से वो इसको खाएगा और जो इसके बेनिफिट्स हैं मशरूम के वो हमें मिल सकते हैं। दैट इज वंडरफुल। तो इन चीजों को सोच के ही हमने प्रोडक्ट बनाए हैं कि सबके लिए घर में कुछ ना कुछ हो। राइट। और अगर हम बात करें कि ये प्रोडक्ट्स को जब हम बनाते हैं, जब आप बनाते हैं इन द फॉर्म ऑफ कुकीज या चॉकलेट या फिर नमकीन के फॉर्म में, तो क्या इनकी न्यूट्रिएंट वैल्यू कम नहीं हो जाती? नहीं सर, देखिए मशरूम की जो है न्यूट्रिशन वैल्यू कम नहीं होती। जैसे अब हमारा जो मशरूम है वो ऑस्टर मशरूम है, ठीक है। ऑस्टर मशरूम में वैसे भी मशरूम से बहुत ज्यादा मतलब न्यूट्रिशन वैल्यू होती है अगर हम इसको बटन से कंपेयर करें। और इसके बाद हम इसको क्या करते हैं, सन ड्राई करते हैं। सन ड्राई करने की वजह से इसके अंदर विटामिन डी की मात्रा बढ़ जाती है, क्योंकि आजकल लोगों में जो है विटामिन डी की मात्रा बहुत कम हो गई है। लोग बाहर धूप में निकल ही नहीं पाते, ठीक है, धूप में नहीं निकल पाते, बच्चों को हम धूप में नहीं जाने देते, जो फिर विटामिन डी से हमारे अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो होने लगते हैं, ठीक है। तो ये है, किसी भी मशरूम को अगर हम ऐसे प्रोडक्ट में डालते हैं तो उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू कम नहीं होती, बढ़ जाती है। अगर उसको जैसे हमने सन ड्राई कर दिया तो उसमें विटामिन डी बढ़ गया, उसके बाद हमने इसे कुकीज में डाला, तो इसको न्यूट्रिशन वैल्यू अगर हम कुकीज में डालेंगे बढ़ेगी तो नहीं बट घटेगी भी नहीं, जो है वो ही रहेगी। ओके, तो जैसे मशरूम को हम सीजनल प्रोडक्ट भी बोलते हैं, तो मशरूम सीजनल है, तो आप इसको कैसे यूज कर पाते हो? बिकॉज यूजुअली मशरूम जो उगता है वो विंटर्स में या सर्दियों के मौसम में उगता है। जी, अगर आप कहेंगे कि मशरूम सीजनेबल है तो मैं ये कहना चाहूंगी मशरूम बहुत तरह के होते हैं। अगर आप मशरूम के बारे में पढ़ना शुरू करोगे या रिसर्च करना शुरू करोगे तो आपको बहुत टाइप के मशरूम मिल जाएंगे। बट दिल्ली में या मैं कहूँ इंडिया में 4 टाइप्स ऐसे हैं जो आप सारे साल इसको उगा सकते। अब जैसे बटन है, बटन को भी आप पूरे साल उगा सकते हैं बट आपको उसके लिए एसी प्लांट लगाना पड़ेगा। उसके लिए जो क्लाइमेट है, जो वेदर है, अगर आप वो क्रिएट कर सकते हो पूरे साल तो आप मशरूम पूरे साल ग्रो कर सकते हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं। ग्रेट। सो वापस आ जाते हैं आप ही के बारे में बात करते हैं दोबारा से। तो जैसे कि हम कहते हैं ना लोग इंट्रोवर्ट या एक्सट्रोवर्ट तरह के होते हैं, तो आपको क्या लगता है कि आप इंट्रोवर्ट हैं या एक्सट्रोवर्ट हैं? और जब आप अपने बिजनेस को देखते हैं तो क्या वो आपके लिए हेल्पफुल या बेनिफिशियल है इंट्रोवर्ट होना या एक्सट्रोवर्ट होना? सर, बिजनेस को अगर मैं बिजनेस वूमन तो सक्सेसफुल मुझे लगता है कि मैं एक्सट्रोवर्ट हूँ, क्योंकि आप जब किसी से बात करते हो ना तो आपको यही लगना चाहिए कि जो सामने वाला बंदा है वो बहुत अच्छा है, वो बहुत ही अच्छा है। और जब आप सामने वाला बंदा अच्छा है तो आपको भी बहुत ही अच्छा बनना है। तो आप जब किसी से बात करो तो उसे लगना नहीं चाहिए कि वो अनजान इंसान है या आप उसके लिए अनजान हो। तो मेरे साथ भी ऐसा ही है, जब भी मैं किसी से बात करती हूँ या मिलती हूँ तो ऐसा लगता ही नहीं है कि हम बहुत मतलब हम पहली बार मिले, ऐसा लगता है हम पहले से जानते हैं। तो मुझे लगता है मैं शायद लोगों के साथ जल्दी घुल मिल जाती हूँ, लोग मुझे पसंद करते हैं सुनना और बोलना मतलब, तो मुझे लगता है कि लोग मुझे सुनना शायद ज्यादा पसंद लगते हैं करते हैं। ग्रेट ग्रेट। सो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर हम बात करें कि सपोर्ट की, क्योंकि सपोर्ट बहुत जरूरी है हर किसी की लाइफ में, तो हम अगर बात करें आपकी, तो आपकी लाइफ में वो कौन लोग हैं जिन्होंने आपको सबसे ज्यादा सपोर्ट किया है, चाहे आपका जॉब रहा हो, चाहे आपका करियर रहा हो, चाहे अब आपकी बिजनेस जर्नी रही हो? सर देखिए, अगर सपोर्ट की मैं बात करूं तो मेरे लिए हमेशा ही जो मेरे घर वाले हैं या जॉब लाइन है या कुछ भी, सब सपोर्टिव ही रहा है। जब मैं जॉब करती थी तो वहाँ पे भी एटमोसफेयर और इन्वायरमेंट बहुत सपोर्टिव था, हर चीज में हेल्प करते थे। कभी भी मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि मैं किसी ऑफिस में, ऐसा लगता था कि घर का ही एटमोसफेयर है, वहाँ के जो ओनर थे। तो वहाँ से मुझे लगा कि हाँ, हमारा जो बाहर का एटमोसफेयर है वो इतना भी खराब नहीं है जितना कि आजकल लोगों ने बना दिया है लेडीज के लिए, है ना। तो वहाँ से भी मुझे सपोर्ट मिला कि हाँ, बाहर निकलना इतना कोई टफ भी नहीं है। तो फिर जब मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया तो बिजनेस में भी सबसे पहले एक वर्किंग लेडी के लिए या मैरिड लेडी के लिए सपोर्टिव आपके हस्बैंड होने चाहिए। अगर आपके हस्बैंड सपोर्ट करेंगे आपको तो आपकी लाइफ में सब कुछ पॉसिबल है। तो मेरे हस्बैंड और घर वाले या फैमिली मेंबर सबने ही सपोर्ट किया है और उसकी वजह से मैं आज आपको इंटरव्यू दे पा रही हूँ, अपना बिजनेस सेटअप।
कर पाते। ग्रेट। तो अगर हम बात करें इंस्पिरेशन एंड मोटिवेशन की, क्योंकि हमेशा लाइफ में हमेशा इंस्पिरेशन एंड मोटिवेशन चाहिए होता है, तो जब हम बात करें इंस्पिरेशन एंड मोटिवेशन की, तो आपको अपना इंस्पिरेशन या मोटिवेशन कहाँ से मिलता है? मोटिवेशन मतलब मुझे मोटिवेट यही है कि जो मेरे मशरूम है, मेरा क्या मशरूम तो सबके लिए ही बेनिफिट है, इस मशरूम को और मशरूम से बने प्रोडक्ट को हर घर तक, हर इंसान तक पहुंचाना है, ताकि जो मशरूम के फायदे हैं वो सभी लोगों तक मिल सके, सभी लोगों को मिल सके और इसका यूज ज्यादा से ज्यादा हो सके। मतलब मशरूम के बारे में जितनी ज्यादा अवेयरनेस मैं फैला सकती हूँ या मैं फैला रही हूँ उससे भी ज्यादा फैलानी, ताकि हम समाज को और आज के मतलब लोगों को एक अच्छा हेल्दी फ्यूचर दे सकते आने वाले पीढ़ियों। ग्रेट। तो अगर हम बात करें सक्सेस की, तो आपका क्या विचार है कि सक्सेस आपके लिए क्या है, कैसी है, और कब आपको लगता है कि आप सक्सेसफुल हो या सक्सेसफुल हो पाओगे? देखिए, सक्सेस के मायने हर किसी के लिए अलग अलग है। कईयों का सक्सेस से मतलब होता है पैसा कमाना, किसी लोगों कईयों का मतलब होता है सक्सेस से कि उन्हें जो चाहिए था वो मिल गए हैं, सो दैट अब सक्सेस हो गए। तो ये सक्सेस कुछ पर्टिकुलर नहीं है, यह हर किसी की मेंटलिटी पे और उसके जो विचार हैं और जो उसकी सोच है उसी पर डिपेंड करती है। मेरे लिए सक्सेस का मतलब है कि जिस दिन मेरे बने हुए प्रोडक्ट सारी दुनिया में बीच मतलब सेल आउट होंगे या हर घर में यूज होंगे, तो उस दिन मुझे सक्सेस मिलता है। वंडरफुल, ग्रेट थॉट। तो अब हम लास्ट क्वेश्चन पे पहुंच रहे हैं, तो कोई मैसेज या एडवाइस आप हमारे व्यूअर्स के साथ में, ऑडियंस के साथ में शेयर करना चाहेंगे? सर, एडवाइस तो देखिए यही है, चाहे आप कोई भी काम कर रहे हैं, इससे बड़ी बात आप उसको पूरी मेहनत के साथ करिए। आप ये मत सोचते करिए कि आप सक्सेसफुल होंगे ही होंगे। कई बार ऐसा होता है कि हम सक्सेसफुल नहीं हो पाते, लेकिन उस केस में आपको क्या मिलेगा, आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। अगर आप सक्सेसफुल नहीं भी होते हैं तो आपको एक्सपीरियंस तो आपको मिल ही गया ना, तो वो आपके लिए किसी सक्सेसफुल से कम नहीं। और अगर आप बार बार उस चीज को पाने के लिए कोशिश करेंगे और अपने एक्सपीरियंस आपके बढ़ते जाएंगे, तो आपको एक दिन सक्सेस जरूर मिल ही जाएगी। यही मेरा मतलब, हाँ, तो यही मेरा सबके लिए मैसेज है कि लोगों को कभी हार नहीं माननी चाहिए, चाहे वो कोई भी फील्ड हो, कोई भी आपका एम हो, कुछ भी का मतलब कुछ करने की चाह हो, तो करना ही करना चाहिए। 2 साल, 4 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, बस इतने ही लगेंगे ना, बट आपको एक दिन वो खुशी मिलेगी जब आप सक्सेस हो जाएंगे ना, वो खुशी इतनी मिलेगी कि आप वो 20 साल भूल जाए। तो मेरा मैसेज यही है लोगों के लिए कि कभी हार नहीं मानो। और काफी अप्रोप्रिएटली कहा आपने कि एक फेलियर आपकी आपकी लाइफ को डिफाइन नहीं करता, एक फेलियर आपकी लाइफ में आया उसके बाद आपको दोबारा उठ खड़े होना है, चलना है, कोशिश करनी है, और डेफिनेटली एक के बाद दूसरी बार, तीसरी बार आप ट्राई करते रहेंगे तो डेफिनेटली सक्सेस तो आपके पीछे आएगी। बहुत ही लाइक अच्छा विचार था ये। तो अब हम लाइक कह सकते हैं कि सक्सेस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है वो आपका डेडिकेशन और डिटर्मिनेशन है और आपकी कंसिस्टेंसी। आप लगे रहेंगे तो डेफिनेटली वो मिलेगी। तो आपसे बात करके काफी अच्छा लगा, काफी सारी चीजें आपने शेयर की, अपने बिजनेस के बारे में बताया, एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में बताया कि जिससे हम बहुत सारी चीजें बना सकते हैं। यूजुअली हम जो मशरूम को देखते हैं स्पेसिफिकली सब्जी के तौर पे, या हम उसको चाउमीन में या नूडल्स में, या हम कह सकते हैं कि पिज्जा वगैरह में, पास्ता में, या कुछ डिशेज में हम उसको देखते हैं, बट जिस तरह से आप यूज कर रहे हो, जिस तरह से प्रोडक्ट बना रहे हो, हम उसको डेली स्नैकिंग में भी यूज कर पाएंगे, दैट इज रियली वंडरफुल थिंग। और हम कहीं पे भी हो, किसी भी सिचुएशन में हो, वो हम यूज कर सकते हैं, दिस इज रियली वंडरफुल। और मुझे काफी अच्छा लगा आपसे बात करके, आपने जो अपने बिजनेस के बारे में, अपने बिजनेस आइडिया के बारे में बताया, काफी अच्छा है, लाइक इंस्पिरेशनल है, और प्रोबेबली कई लोगों के लिए ये एक नया विचार भी होगा कि वो लोग भी अपनी लाइफ में ट्राई करके देख सकते हैं, एज अ प्रोडक्ट भी और एज अ बिजनेस भी, और रियली वंडरफुल थिंग। और साथ ही साथ मैं आपके जो सोशल मीडिया लिंक है वो भी शेयर कर दूंगा, लोग आपके प्रोडक्ट्स देखें, आपके प्रोडक्ट्स बाय करें, उसका बेनिफिट उठाएं। तो काफी अच्छा लगा आपसे बात करके कामिनी जी, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, इट वॉज रियली वंडरफुल। थैंक यू, मैं जितेंद्र जी को थैंक यू बोलना चाहूंगी कि उन्होंने मुझे इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया, उन्होंने मेरी इतनी हेल्प की कि मैं अपनी बात आप लोगों तक पहुंचा पाई, या मशरूम की जो अवेयरनेस थी मैं आप लोगों तक वो मैंने आपको दी,
और मुझे उम्मीद है, आशा है आप भी इस अवेयरनेस को फैलाएंगे, जितने से ज्यादा जितना ज्यादा हो सके आप इसको स्प्रेड करो, फैलाओ, ताकि मशरूम एक मेडिसिन बन जाए। जो आजकल नॉर्मली हम मेडिसिन में इतना पैसा देते हैं, डॉक्टरों की फीस देते हैं, अपना टाइम वेस्ट करते हैं, वो सब चीजों से हमें बच सके। और जो हमारे किसान है, मैं तो चलो एक बिजनेस है, मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ पूरा स्टाफ है, पीछे किसानों का भी मेरे को बड़ा सपोर्ट है। जो हमारे किसान भाई हैं, किसान लेडीज हैं, जो उनको भी हेल्प हो सके और वो भी आपके जरिए अपना जो है मतलब अपने प्रोफेशन को अच्छा कर सके या अपने प्रोफेशन में अच्छे से काम कर सके। करेक्ट, मतलब उनका भी रोजी रोटी रोजगार अच्छे से चल सके। यस, तो गाइज डोंट फॉरगेट टू चेक दैट आउट टू, आप इसको देखिए, समझिए और ट्राई टू बी अ हेल्प। एंड थैंक यू सो वेरी मच एवरीवन फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। आई होप यू ऑल मस्ट हैव गैदर्ड अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड एंजॉयड वॉचिंग इट। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हैव अ गुड टाइम, थैंक यू एंड बाय बाय।